सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइलम सिलिंट्रेटा से ओबेलिया को कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम सिलिंट्रेटा का नया ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है ऑरेलिया, जिसको कि हम कॉमनली द कॉमन जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। सो ये ऑरेलिया का वीडियो नंबर फर्स्ट है। सो इसके अंदर हम सबसे पहले ऑरेलिया की क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑरेलिया का वर्टिकल सेक्शन लिया हुआ है, उसमें से मैं यहाँ पर कुछ मेन मेन चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, ताकि जो आने वाले सिस्टम है इसमें ऑरेलिया के अंदर उनको आप कोरिलेट कर पाओ जब हम उनको स्टडी करेंगे। ओके, सो मॉर्फोलॉजी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले इसकी क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। नाउ जेलीफिश की अगर क्लासिफिकेशन, यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, द कॉमन जेलीफिश, और इसको ऑल्सो नाउन एज मून जेली, इसको मून जेली भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेलीफिश लिखा है, फिश से आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, इट्स नॉट अ फिश। ओके, इट्स अ सिलिंट्रेट, क्योंकि ये फाइलम सिलिंट्रेटा से बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ पहले इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। फाइलम, इसका फाइलम है स्निडेरिया, क्लास इसकी है स्काइफोजोआ, ऑर्डर इसका है सिमेयुस्टोमेई, फैमिली इसकी है एलमेरिडेई, जीनस इसका है ऑरेलिया, एंड स्पीशीज जो हमें स्टडी करनी है उसका नाम है ऑरिटा। ओके, तो ये थी इसकी सिंपल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये ऑरेलिया का सरफेस व्यू है। ओके, मतलब ये ऑरेलिया का सरफेस व्यू है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर होगा ऑरेलिया का, वो एक एम्ब्रेला लाइक बॉडी उसकी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एम्ब्रेला लाइक बॉडी होगी, जिलेटिनस होगी। ओके, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या दिख रहा है, सिंपली फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये दिख रहा है कि एम्ब्रेला लाइक बॉडी है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया, देखिए मॉर्फोलॉजी में एम्ब्रेला शेप्ड जिलेटिनस बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। सेकेंड इसमें आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड इसमें है प्रेजेंस ऑफ फोर ओरल आर्म्स। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। अभी इसको आपने ऐसे देखना है, ये कैसा है, ये एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर में माउथ इसका प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये एम्ब्रेला लाइक बॉडी है, इसके सेंटर में क्या है, एम्ब्रेला, मतलब ये एम्ब्रेला, एम्ब्रेला के सेंटर में क्या है, एक माउथ है। ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर में क्या है, माउथ है। माउथ यहाँ से हमें नहीं दिख रहा है, मतलब जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका माउथ, देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ये सरफेस आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से इसका माउथ हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से इसका माउथ यहाँ पर सेंटर में होगा, बीच में। ठीक है, अब इसका जो माउथ होगा, ये एम्ब्रेला लगा है, ये एम्ब्रेला है, एम्ब्रेला के सेंटर में माउथ है, जहाँ पर इसका माउथ होगा, जहाँ पर उसका माउथ होगा, वहाँ से फोर ओरल आर्म्स जनरेट होते हैं। इस तरह से चार बड़े बड़े आर्म्स इस तरह से जनरेट होते हैं जहाँ इसका माउथ होता है। ठीक है, ये जो आर्म आप देख पा रहे हो, ये जो आर्म आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाले आर्म्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये जो माउथ है, सेंटर में माउथ है, उसके चारों ओर से ये ओरल आर्म्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने ओरल आर्म्स है इसमें, इसमें जो है फोर ओरल आर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एम्ब्रेला शेप बॉडी है, सेकंड पॉइंट प्रेजेंस ऑफ फोर ओरल आर्म्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फोर ओरल आर्म्स। नाउ ओरल आर्म्स के साथ साथ, ओरल आर्म्स के साथ साथ इसमें फोर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रेजेंस ऑफ फोर गोनाड्स, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास, ऊपर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। कितने गोनाड प्रेजेंट होंगे, फोर गोनाड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, 1 2 3, एंड एक जो है पीछे वाली साइड हमारे पास प्रेजेंट होगा, मतलब फोर गोनाड्स हमारे पास होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैंने ऊपर बना लिया है, वैसे यहाँ पर ये विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका सेक्शन निकाला, जब इसको हम काटेंगे इस तरह से, जब हम इसको काटते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए ये गोनाड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये गोनाड्स है, ये कहाँ होंगे, माउथ के थोड़ा जस्ट ऊपर। ठीक है, दोनों तरफ को ये गोनाड्स प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप, इसीलिए मैंने सेक्शनल व्यू लिया है, ताकि जो है आप इसको यहाँ पर देख पाओ। ये जो गोनाड्स है, इसको हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी जो कवरिंग है वो समवन और समवेयर ट्रांसपेरेंट होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इससे हमें ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, जब इसका हम सेक्शन काटेंगे तो हम इस तरह से देख सकते हैं इनको, ये गोनाड है। टोटल कितने हैं, ये फोर है नंबर, भैया आपको याद रखना, कितने गोनाड्स होंगे इसमें, फोर गोनाड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ केनाल्स। नाउ अब इसमें थ्री टाइप्स ऑफ केनाल्स हमें देखने को मिलेगी। ओके, कितने टाइप की केनाल्स हमें देखने को मिले, ये आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी केनाल्स आर फॉर्म्ड इन ऑरेलिया, कितनी केनाल जो है ऑरेलिया के अंदर बनी होती है। तो आपको याद रखना है, थ्री टाइप्स ऑफ केनाल्स ऑरेलिया के अंदर बनी होती है। ठीक है, केनाल्स मतलब चैनल, छोटे छोटे चैनल्स जो है बने होते हैं। जैसे ये देखिए, ये माउथ कहाँ पर ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा, ये क्या है, ये हमारे पास
ये माउथ है, ये मैनुब्रियम है, ये गलेट है, ये वाला स्टमक है जो बड़ा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टमक है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टमक है। ये हमारे पास गैस्ट्रिक पाउच है, ये गैस्ट्रिक पाउच है, और ये वाले जो आप चीज़ देख रहे हो ये हमारे पास है केनाल्स। ठीक है, ये जो केनाल्स हमारे पास होती है, थ्री टाइप की केनाल जो है ऑरिलिया के अंदर बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम डाइजेस्टिव, जब इसका डाइजेशन आएगा, जब न्यूट्रिशन हम देखेंगे ऑरिलिया के अंदर, तो हम इसको वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्ट इसका ओवरव्यू देने के लिए इस डायग्राम को बनाया हुआ, अभी हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ केनाल्स, अब हमने ये देखना है केनाल्स। केनाल्स मतलब मैंने आपको कहा ये जो आपको एम्ब्रेला शेप बॉडी दिख रही है, इस पूरी की पूरी एम्ब्रेला शेप बॉडी में छोटे छोटे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमने सरफेस व्यू लिया हुआ है। ठीक है, सरफेस व्यू मतलब ये सिंपली जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। अब मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ मतलब अब मैं इसका ओरल व्यू देख रहा हूँ, ओरल व्यू मतलब जहाँ इसका माउथ है ना वो वाला व्यू देख रहा हूँ, मतलब मैंने इसको, इस छतरी को मैंने उल्टा कर दिया। जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो ओरल आर्म है, देखिए यहाँ पर कितने ओरल आर्म है, 1 2 3 4, ये है वो ओरल आर्म, 1 2 3 4, मैंने इसको उल्टा कर दिया है बस। ठीक है, उल्टा जब मैं करूंगा तो ये ओरल आर्म कितने हैं, 4 ओरल आर्म, यहाँ पर आप देखो क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, 4 ओरल आर्म है, 1 2 3 4, 4 ओरल आर्म है। और मैंने आपको कहा कि ये ओरल आर्म कहाँ से जनरेट होते हैं, ऐसा माउथ है, माउथ के चारों ओर से इस तरह से ये जनरेट होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कहाँ से माउथ जनरेट हो रही है, ये आपका माउथ है। ठीक है, इस माउथ के नीचे मैनुब्रियम है और ये क्या है, ओरल आर्म है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट जो है यहाँ पर ये हमारा माउथ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ये स्टार्ट होंगे, इसके बेस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नाउ गोनाड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया तो गोनाड्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जो फोर आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, गोनाड्स कहेंगे। ठीक है, गोनाड्स के जस्ट नीचे यहाँ पर, इसमें आपको विजिबल नहीं है, ठीक है, ये आपको सिर्फ सरफेस व्यू यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया हुआ, यहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, थीके? इसको उल्टा करने के बाद ये हमने क्या देखे, ये हमने ओरल आर्म्स देखे इसके, ये ओरल आर्म्स, बीच में क्या है, बीच में माउथ है, माउथ के नीचे क्या है, मैनुब्रियम है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, मैनुब्रियम है। उसके बाद मैंने आपको कहा ये क्या है, गोनाड्स है, ये आप गोनाड देख पा रहे हो, 1 2 3 4 गोनाड्स है। ठीक है, और आपको याद रखना है जहां पर गोनाड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स के जस्ट नीचे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं ओरलिया के अंदर। ठीक है, इन छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सब जेनिटल पिट। ओके, क्या कहते हैं, सब जेनिटल पिट। हालांकि यहाँ पर हमें विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इनको क्लियरली देख सकते हो। यहाँ देखो गोनाड्स, गोनाड्स के जस्ट नीचे क्या है हमारे पास, सब जेनिटल पिट, इसको हम क्या कहते हैं, सब जेनिटल पिट। ओके, नाउ एक और चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये जो आपके पास एम्ब्रेला रहेगा, एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास है और इस ऑरेलिया का, इसका जो मार्जिन है इस एम्ब्रेला के, उसमें छोटे छोटे हमारे पास इस तरह से टेंटिकल्स लगे होंगे। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे टेंटिकल जो है पूरी की पूरी इस एम्ब्रेला की सर्कुम्फ्रेंस में होंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अब हम आते हैं केनाल्स के ऊपर, तो हम केनाल्स के ऊपर थे। ये जो आप पूरी की पूरी ऑरेलिया का जो ओरल व्यू यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप छोटे छोटे बहुत सारे चैनल देख पा रहे हो। ठीक है, इनमें आप देखो बहुत सारे आपको छोटे छोटे चैनल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे चैनल इनके अंदर प्रेजेंट है इस ऑरेलिया की बॉडी के अंदर, इन्हीं को हम कहते हैं केनाल्स। ठीक है, इनमें वाटर फ्लो करता है, इन करंट एंड एक्स करंट, करंट जो है वाटर की इनके अंदर फ्लो करती है। अब ये जो केनाल है थ्री टाइप की होगी, जैसा मैंने आपको कहा। ओके, फर्स्ट टाइप की जो केनाल हमारे पास होगी वो होगी, पहले इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट जो टाइप की जो केनाल हमारे पास होगी उसको हम कहते हैं इंटर रेडियल केनाल। ओके, फर्स्ट टाइप की केनाल को हम क्या कहते हैं, इंटर रेडियल केनाल। दूसरे टाइप की जो केनाल हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं एडरेडियल केनाल। ओके, थर्ड टाइप की जो केनाल हमारे पास बनती है उसको हम कहते हैं पर रेडियल केनाल। उसको हम क्या कहेंगे, पर रेडियल केनाल। इसको आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये केनाल। ठीक है, थ्री टाइप की केनाल, फर्स्ट वन इंटर रेडियल, सेकेंड वन एडरेडियल, थर्ड वन इज पर रेडियल। इसको आपने ऐसे समझना है, ये जैसे मान लीजिए इसकी बॉडी है, ठीक है, ओरिलिया की बॉडी है, ये मान लीजिए ओरिलिया की बॉडी। ओके, बीच में क्या है इसका, ये माउथ है इसका। ठीक है, और माउथ के चारों तरफ को मैंने आपको कहा यहाँ माउथ से क्या जनरेट हुए हैं, माउथ के जस्ट नीचे से इस तरह से ओरल आर्म जनरेट हुए हैं, ओरल आर्म जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप, बहुत सारी आपको जो है इस तरह से आपको केनाल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इन ओरल आर्म्स के जस्ट इनकी सीध में, जस्ट इनकी सीध में जो केनाल प्रेजेंट होगी, जस्ट इनकी सीध में, ठीक है, मतलब माउथ है, माउथ के चारों ओर क्या है, ओरल आर्म्स, ओरल आर्म्स के जस्ट जस्ट इसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो केनाल जाती है
इन केनाल्स को हम कहते हैं, इन केनाल्स को हम कहते हैं पर रेडियल केनाल। ओके, इन रेडियल केनाल को हम क्या कहते हैं, पर रेडियल केनाल, पीआरसी। पीआरसी मींस पर रेडियल केनाल। यहां पर आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हो, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पर रेडियल केनाल कौन सी है, माउथ, माउथ के साथ में क्या लगे हैं, ओरल आर्म्स, ओरल आर्म्स के जस्ट सीध में जो हमारे पास केनाल्स होंगी उनको हम कहेंगे पर रेडियल केनाल। ये भी पर रेडियल केनाल, ये भी पर रेडियल केनाल, ये भी पर रेडियल केनाल, ये भी पर रेडियल केनाल। अब इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर से होके जो केनाल जाएगी, ठीक है, वन सेकेंड, इन दोनों के सेंटर से होगी। अब देखिए, ये एक पर रेडियल, ये भी, ये क्या है, पी आर सी, पर रेडियल केनाल। ये भी क्या है, पर रेडियल केनाल। ये भी क्या है, पर रेडियल केनाल, ठीक है, पी आर सी, पी आर सी मतलब पर रेडियल केनाल। अब इनके जस्ट जस्ट सेंटर में, जस्ट इनके बीच में, जस्ट इनके बीच में जो केनाल जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटर रेडियल केनाल, ठीक है। अब देखो, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर से जो केनाल जाएगी, मान लीजिए ये केनाल जा रही है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही शो कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच से इसको मैंने ऐसे शो कर लिया, इन दोनों के बीच से इसको मैंने ऐसे शो कर लिया, इन दोनों के बीच से इसको मैंने ऐसे शो कर लिया, ठीक है। वो वाली केनाल्स, वो वाली केनाल्स जो आर्म्स के बिल्कुल सीध में जाती है उनको हम कहते हैं पर रेडियल केनाल। जो पर रेडियल केनाल के सेंटर में आती है, ये देखिए, एक पर रेडियल केनाल, दूसरी पर रेडियल केनाल, इनके बीच में आ रही है, इसको हम कहते हैं इंटर रेडियल केनाल, इंटर रेडियल, इंटर रेडियल केनाल, ठीक है। अब देखो, यहां पर भी, ये भी पर रेडियल केनाल, ये भी पर रेडियल केनाल, इसके बीच में आई, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इंटर रेडियल केनाल। यहां पर भी इसको भी हम क्या कहेंगे, इंटर रेडियल केनाल, इसको भी हम क्या कहेंगे, इंटर रेडियल केनाल। तो दो टाइप की केनाल हमने देखी, फर्स्ट वन हमने कौन सी देखी, इंटर रेडियल केनाल, सॉरी, फर्स्ट वन हमने देखी पर रेडियल केनाल। ओके, पर रेडियल केनाल कहाँ आएगी, बिल्कुल आर्म्स की सीध में, ठीक है। दूसरी हमने कौन सी देखी, इंटर रेडियल केनाल। इंटर रेडियल केनाल कहाँ आएगी, जो पर रेडियल केनाल के बिल्कुल सेंटर में आए उसको हम कहते हैं इंटर रेडियल केनाल। नाउ, अब ये जो पर रेडियल केनाल एंड इंटर रेडियल केनाल आपको दिख रही है, अब इनके सेंटर में जो होगी, जैसे मान लीजिए इन दोनों के सेंटर में जो अब केनाल जाएगी उनको हम कहेंगे एड रेडियल केनाल। मैं इसको ब्लैक कलर से इस तरह से इन डॉट्स को शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होता है केनाल समझना है, ठीक है। ये केनाल, ये तीसरे टाइप की केनाल यहाँ बनी, ठीक है। इस केनाल को हम क्या कहेंगे, जो पर रेडियल केनाल और इंटर रेडियल केनाल के बीच में बने उसको हम कहते हैं एड रेडियल केनाल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये जो आर्म्स की सीध में गई उसको हम क्या कहते हैं, पर रेडियल। देखिए, इसकी इसके बिल्कुल जस्ट पीछे जा रही है पर रेडियल केनाल, ठीक है। एक पर रेडियल केनाल, दूसरी पर रेडियल केनाल, इन दोनों के सेंटर में जो जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर रेडियल केनाल, ठीक है। अब पर रेडियल केनाल और इंटर रेडियल केनाल के बीच में जो जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एड रेडियल केनाल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास हो गई पर रेडियल केनाल, ये हो गई इंटर रेडियल केनाल, इन दोनों के बीच में जो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, एड रेडियल केनाल उसको कहेंगे। और बीच में आप छोटी छोटी यहाँ पर बहुत सारी और भी केनाल देख रहे हो, ये इनकी ब्रांचेज है, ठीक है। इन्हीं से जो मेन ब्रांच है उसी जो है बहुत सारी ब्रांचेज हमारे पास निकली होगी। मेन आपको याद रखना है कि इसके अंदर थ्री टाइप्स की केनाल है। कौन कौन सी केनाल है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये केनाल ही है, ठीक है। पहली केनाल कौन सी हमने देखी, एड रेडियल केनाल, दूसरी इंटर रेडियल केनाल, एंड तीसरी पर रेडियल केनाल। तो थ्री टाइप की केनाल हमने इसके अंदर स्टडी कर ली। ओके, नाउ हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट वन इसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी हमने देखी, दूसरा हमने देखा इसमें फोर जो है ओरल आर्म्स होते हैं, थर्ड हमने देखा प्रेजेंस ऑफ फोर गोनाड, चार गोनाड इसके अंदर है। नेक्स्ट हमने देखा इन फोर गोनाड्स के नीचे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या कहते हैं, सब जेनिटल पिट, यहाँ पर नहीं दिख रहे, उनको हम क्या कहेंगे, सब जेनिटल पिट कहेंगे। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहे, देखिए गोनाड्स के जस्ट नीचे क्या है, सब जेनिटल पिट हमें दिख रहे हैं। नाउ अब ये जो हमारे पास एम्ब्रेला दिख रहा है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर छोटे छोटे टेंटिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है, ये जो रेडियल केनाल, रेडियल केनाल, रेडियल केनाल एंड रेडियल केनाल एंड इंटर रेडियल केनाल, एड्रेडियल केनाल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दो केनाल की बात हो रही है, फर्स्ट वन इंटर रेडियल केनाल एंड सेकेंड वन पर रेडियल केनाल। ये जो दो केनाल होती है इनकी जो एंडिंग होती है, ठीक है, कौन कौन सी केनाल, फर्स्ट वन इज पर रेडियल केनाल, सेकेंड वन इज इंटर रेडियल केनाल, ये दो जो केनाल्स हैं इनकी एंडिंग पर, इनके एंडिंग पर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इस ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में होते हैं, इस सेंस ऑर्गन को हम कहते हैं रोपेलियम। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो रेड सर्कल, रेड कलर का सर्कल आप देख रहे हो, इसको कहते हैं रोपेलियम, और ये रोपेलियम लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो
रूपिलियम, ये रूपिलियम ये क्या है, ये एक सेंस ऑर्गन है इसका, ठीक है। इसको हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब मैं ब्रीफ में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो सर्कमफ्रेंस होगी इस ऑरिलिया की, उसमें जो हमारे पास इंटर रेडियल केनाल और पर रेडियल केनाल है उसकी एंडिंग्स पर हमारे पास सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रोपेलियम कहते हैं। और ये रोपेलियम दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में रोपेलियम है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में रोपेलियम है, ओके। सो नेक्स्ट ये हमने देख लिया, पर रेडियल केनाल हमने देख लिया, इनर रेडियल केनाल हमने देख लिया, एड रेडियल केनाल हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ मार्जिनल टेंटिकल्स। मार्जिनल टेंटिकल्स कौन से हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स, ठीक है। और दूसरी बात, वैसे इसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस दे दूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे दूँ। नाउ जैसा कि हमने पिछली जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास था ओवेलिया, वहाँ पर हमने देखा था उसकी जो बॉडी वॉल थी थ्री लेयर से मिलकर बनी थी। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड थर्ड वन इज मीजोग्लोइया। तो यहां पर भी इसके अंदर भी जो है हमारे पास तीन टाइप की लेयर जो है बॉडी में देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड थर्ड वन इज मीजोग्लोइया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, देखो जो बाहर से जा रही है, जो बाहर से कवर करेगी, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। नाउ ये जो ये कलर ग्रीन कलर की आपको लेयर दिख रही है और जो ब्लैक कलर की आपको लेयर दिख रही है, इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, ये है मीजोग्लोइया, मतलब ये एपिडर्मिस मीजोग्लोइया गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस मीजोग्लोइया गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। और ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होगी हमारे पास पूरी की पूरी, ये केनाल जा रही है, ठीक है। इसको हम सेकंड वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे। सो ये था ऑरिलिया का फर्स्ट वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था ओरिलिया का। इसके अंदर हमने ओरिलिया की क्लासिफिकेशन कर ली, उसकी ओरल व्यू को हमने देख लिया, उसके सरफेस व्यू को हमने देख लिया, उसका सेक्शन हमने देख लिया, मींस हमने इसकी मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर लिया, ओके। नाउ सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओरिलिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसके साथ साथ निमेटोसिस्ट जो इसके अंदर बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.